हस्बेंड्री होनी चाहिए जो आंगनवाड़ी सेंटर है इनमें तो 8 तारीख को चुनाव होना है दिल्ली के अंदर और ऐसे में लुभावने वादे तरह तरह के किए गए हैं सभी पार्टियों की तरफ से, कोई एक पार्टी नहीं, तीन पार्टियां वहां चुनावी मैदान में हैं। उन सभी ने तरह तरह के वादे किए, उसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित पुरी जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज रखिए अपनी बात। चर्चा के अंतिम दौर में जब बात चल रही थी तो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की चल रही थी, विधायकों के, पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड की चल रही थी और प्रकारांतर से फिर वो यमुना के ऊपर भी चर्चा आई, जैसा मुझे समझ है, जितना मैं समझ पाया। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अभी गुजरे 8-9 महीने पहले लोगों के सामने गया था और उस रिपोर्ट कार्ड के बाद दिल्ली की जनता ने सातों लोकसभा पिछले 2014 की तरह 2019 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी और वो कांग्रेस जो बहुत पीछे बताई जा रही थी उस समय, मैं तात्विक चर्चा कर रहा हूं, वो कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पे नंबर 2 पे रही। हालांकि आप उससे समझौता करना चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने उस समय वो समझौता नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मतदाता की प्रबुद्धता, किस चुनाव में किसको कहां पर रखना है, 1 पर 2 पर, वो कामों की परख मतदाता के मन में, मैं फिर उसी बात पे हूं, भारत के मतदाता की राजनीतिक प्रबुद्धता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जैसे लोग कोट पतलून पहन करके या कुर्ता पजामा पहनकर, धोती कुर्ता पहन करके अपने को काबिल बताऊं है, उससे ज्यादा घुटन्ने में बैठा हुआ इंसान जानता है कि उसकी राजनीतिक समझ कैसी है और वो समय के साथ उसका अनेकों बार उत्तर देकर के विश्व को दिखा चुका है कि भारत का लोकतंत्र बहुत सबल और प्रबल है और अपने विवेक से निर्णय लेता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, बात यमुना की चली, तमाम तर योजनाएं केंद्र की सरकार ने गंगा एक्शन प्लान के अंदर ले रखी है जिसमें यमुना भी है, ठीक है, सवाल के दायरे में हमको कसा जाएगा क्योंकि हम भी चुनाव लड़ने वाले एक हैं। लेकिन वह जो 5 साल बता रहे थे, दिल्ली को चमन कर दिया, लोकतंत्र ला दिया, जवाबदेही ला दी, जरा उनसे पूछा जाए कि इतना ही चमन ला दिया था, इतना ही सवाल, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की चर्चा की है, तो अन्ना के आंदोलन के विजन से निकले हुए थे केजरीवाल, दिल्ली का लोकपाल आप ही चर्चा कर रहे थे अपनी रिपोर्ट की दूसरी तीसरी लाइन में, आपने पढ़ा कि आपने घोषणा की है कि वो लोकपाल बिल लाएगी, तो 5 साल पहले भी तो इसी विजन के लिए लाए गए थे, कहां चला गया? अच्छा, स्वराज बिल लाएंगे, किस बात के लिए था स्वराज बिल? अच्छा है, अगर उनके प्रतिनिधि बैठे होते तो मैं चर्चा करता, स्वराज बिल इसी बात के लिए बताया गया था दिल्ली की जनता को कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, सोशल पब्लिक ऑडिटिंग होगी चीजों की, कहां रह गया स्वराज बिल, जरा हम पूछना चाहते। तो लोकपाल जो, इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली का मतदाता इस सारी चीजों के ऊपर गहन मंथन कर रहा है और मंथन करने के बाद, मैंने बहुत इशारते से वो बात कही थी, आपने एक चर्चा की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड, माफ कीजिएगा आपकी विजडम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप आज अगर ये मुद्दा लेके आए होते सलेमपुर के अंदर क्या हुआ, राजौरी गार्डन में क्या हुआ, जोरबाग में क्या हुआ, मोतीबाग में क्या हुआ, आप भी वो मुद्दा नहीं लाए, क्योंकि टीआरपी कहती है कि बड़े मुद्दे पे बात करो, राजनीतिक बिरयानी पकेगी कि नहीं पकेगी, ये जब टिकर पे चलता है तो स्वैप करते हुए चैनल हाथ रुक जाता, भैया ये कौन सी बिरयानी है? अगर आप कहते नहीं मोतीबाग के सीवर की सफाई के अंदर कुछ कमी रह गई, राजौरी गार्डन में टीआरपी के लिए बात करता है, लेकिन आप जी 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 ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कोई दोष आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं लोकतंत्र के अंदर जो दिखता है वही बिकता है, चर्चा पर्चा और खर्चा यही ना लोकतंत्र के अंदर चलता है बाबू, राजनीति में भी यही हो गया है, मैंने आपको बताया। राजनीति का आज की तारीख में जो देखा गया है, और पुरी साहब जो बहुत साफ साफ बहुत सी बातें साफ साफ कह दे रहे हैं, जो है उनके कहने का अर्थ जो है कुछ कह कुछ और रहे हैं, उसको और आप सोचिए। देखिए शाहीन बाग जो है
शाहीनबाग की जिम्मेदारी दोनों पार्टियां उससे अलग नहीं हो सकती है, शाहीनबाग में आज जो हो रहा है, ना बीजेपी उससे अलग हो सकती है, ना आप अलग हो सकती है, वहां उनकी राज्य की सरकार है और वहां केंद्र की सरकार है, केंद्र के अंदर कानून व्यवस्था है। तो अब उसको ये कहा जाए कि वो अलग है या टीआरपी के लिए, आप ये देख लीजिए कि देखिए परेशान कौन है, सड़क आज जाम है भाई, आप उठा क्यों नहीं रहे, क्यों इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए मंत्री शशिकांत भाई, एक मिनट आपको टोक नहीं रहा हूं, एक बात और, पूरी वामपंथी मित्र इसकी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं आपको वामपंथी नहीं कह रहा हूं, नहीं आपसे बताएं, वो ये स्मरण कर ले कि ये भारत है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अब इसमें चीन का थियानमेन स्क्वायर नहीं है जहां टैंक चढ़ा करके लोगों को रास्ते खाली करा दिए जाएंगे। अब आपसे चाहता है देश का यही सरकार दिल्ली में नहीं, तो अनुराग जी तो कहते हैं ना कि हट जाएगा, क्यों कट जाएगा, मैंने उसको उत्तर दिया आपको। नहीं, तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, या फिर आई तो दोनों स्थितियों में हट जाएगा। अब वो मेरे चाची के मूंछे होती तो वो भी रेजर इस्तेमाल करती है, जब 15 तारीख आए तब देखेंगे। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हट जाएगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, कहीं ना कहीं बात हो गई होगी आपसे बताएं उसका, देखिए कहीं ना कहीं बात किया होगा और वहां भी लोगों ने कहा होगा, यहां तक लोग तो ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जो है, 8 तारीख को वोटिंग के दिन ही शाहीनबाग खाली हो जाएगा, बात तो नहीं चर्चा चल रही, चर्चा की बात ये तो कहने के लिए, देखिए जनता है और लोग हैं और आजकल सोशल मीडिया है, कौन क्या कह दे उसका उसकी अलग बात है। संतोष जी चुनाव होते ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। देखो ये तो सही है कि शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है, और बीजेपी का रोल ना होता तो इतना बड़ा इतने दिन तक धरना प्रदर्शन नहीं चल सकता था। कोई व्यक्ति घंटा, दो घंटा, चार घंटा, चार दिन, दस दिन धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन जब नहीं, प्रदर्शन तो यहाँ पर भी हो रहा है। नहीं, मैं यही बताने भी जा रहा हूँ कि वहां तो ये कह रहे हैं कि गद्दारों को गोली मारो दिल्ली में, लेकिन यहाँ घंटा घर पे बैठे यहाँ कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि वहां पे चुनाव है दिल्ली में। घंटा घर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है महीनों से, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना उस पर कोई बात। 1200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज किया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आया कि गद्दारों को गोली मारो, एफआईआर तो वहां भी दर्ज हुई है, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है कि एफआईआर वहां भी लैंड एंड इनके पास ही है, बीजेपी के पास ही है। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं कहा कि गद्दारों को गोली मारो, लेकिन मेरा ये नहीं कहना कुछ भी गलत, बीजेपी जो कहे वो कुछ भी गलत नहीं मारी, ये नहीं बताया, मेरा ये नहीं कहना है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मारना चाहिए, बीजेपी जो करे उसमें गलत कुछ होता है, कितने मुकदमे लिखे गए हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। अच्छा आइए मैं अब आता हूं भाई, एक मिनट शशिकांत भाई, एक बहुत छोटी सी चर्चा चली कि कहा गया कि बीजेपी ये करा रही है, ठीक है, किसी को भी कहने की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो भैया देश में फिर एक ही नैरेटिव रख लीजिए कि देश में 2014 से असहिष्णु लोग आ गए हैं, लोकतंत्र खतरे में है, ये तो सुप्रीम संविधान खतरे में है, और मोदी तानाशाह है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, चार लोगों ने अमित जी इस बात का ज्योतक किया और कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, किसी जनता ने नहीं कहा, सरकार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कहा है कि जिसके लिए चौधरी चरण सिंह ने 19 महीने की इमरजेंसी काटी, खतरे में दुर्भाग्य ये है, आज अजीत सिंह के लोकदल को नहीं मालूम जो चौधरी चरण सिंह ने 19 महीने की काटी है, आने वाले समय काटेंगे लोग, अरे कैसी बात आ रही है, आप अपनी बात पर ध्यान दीजिए, जहां तुर्कमान के ध्यान दीजिए, देश में वो सरकार की बात कर रहे हैं, तुर्कमान के आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि तुर्कमान के नहीं हुआ, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, सरकार में तुर्कमान के सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि लोकतंत्र सरकार में मौलिक नागरिक अधिकार, जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, अच्छा ठीक है अमित पुरी जी ये नैरेटिव खाली हो गया, ठीक है, डायलॉग चले गया, डायलॉग का चला है, मेरी बात आप सुन लीजिए, आप ठीक से बोल रहे हैं, आप बात सुन लीजिए, अमित माननीय सभापति, अरे आप बात तो सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने कहा था कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में, मैंने नहीं कहा था, किसी सर्वोच्च न्यायालय ने, चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था किसने नहीं, और शाम को डी राजा उनके दरवाजे पे क्या करने गए, डी राजा और ये भी लोग जो भी हो, लेकिन न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और उसका जवाबदेही आपने आज तक नहीं किया, जवाबदेही देश की 130 करोड़ जनता ने कर दी, इमरजेंसी की बात आप कर रहे हैं,
इमरजेंसी अगर आप लागू करेंगे तो देश और दुनिया उसका विरोध करेगी। आप 19 महीने में 19 साल लोग जेल में लगे रहते हैं। कांग्रेस का तो आपको साथ पसंद है। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस का साथ नहीं पसंद है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का लोकदल है। हमको जनता का साथ पसंद है, हमको जनता का साथ पसंद है, किसान और नौजवान का साथ पसंद है। 19 महीने का हम किसानों और नौजवानों के साथ में है, लखनऊ के अंदर के साथ में है। हम किसी कांग्रेस और बीजेपी के साथ में नहीं है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। आपकी अगर इमरजेंसी होगी तो कोई दब जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी आती है तो कोई दबने वाला नहीं है। 19 महीने ने आज साल जेल में नहीं है आदमी, जिनका इमरजेंसी से ज्यादा अघोषित इमरजेंसी लेकर अघोषित इमरजेंसी आपने लगाया। इतना बड़ा धरना हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? तभी तो आप कहते हैं गोली मारो, गोली मारो, और क्या है? गद्दारों को गोली मारो। गद्दार किसको साबित? आप नाम बताइए ना, कौन गद्दार रखा गया? अरे नाम बताइए कौन गद्दार? गद्दार का नाम बताइए। गद्दार को बिरयानी खिला रहे सरकार है, गद्दारों की जान छोड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। कितने लोगों को गोली मारी गई है बताइए? नहीं, अमित जी बताइए इस देश में गोली और बिरयानी खा करके जब लौट के आते हैं तो वहाँ उनकी माँ के चरणों के चरण वंदना करके आते हैं, और दूसरों को आप गद्दार बताते हैं, दूसरों को गद्दार बताते हैं। अच्छा ठीक है। अमित जी ये बताइए कितने लोगों को गोली मारी? दूसरों को गद्दार बताते हैं। अनुराग जी के बयान पर मुसलमान शब्द कहाँ आया? अरे क्यों नहीं कहते हैं? गद्दारों को कौन सा गद्दार है इस दुनिया में बताइए ना? आपकी सरकार का आप नाम बताइए। नहीं कहा? अरे आप नाम बताइए का गद्दारों को गोली मारो बताइए ना। तो गद्दारों को बिरयानी खिलाए? अरे तो आपने आज की ब्रेकिंग जाते हैं, लोकदल चाहता है आज की ब्रेकिंग। नहीं, सिर्फ बातें कितने लोगों को गोली मारी? एक मिनट सर, अमित जी कितने लोगों को आप कह रहे हैं गद्दारों को गोली मारो? ठीक है नारा दिया। आप जनता की भावनाओं को समझिए। और नैरेटिव रखे बिरयानी को, हमने ये नहीं कहा। बात तो शरीफ बनाओ, बात बनाओ, बात करेंगे पूरी। पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया राहुल गांधी का बयान, ये भी सुप्रीम कोर्ट आ गए। हवाई जहाज उड़ाने वाले राफेल उड़ाते उड़ाते कहां पहुंच गए? अच्छा कितने लोगों को गोली मारी गई? ये देश गोली मारने से चलेगा या फिर कानून व्यवस्था से चलेगा? एक सेकंड, कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा या गोली मारने से चलेगा? पहली बात तो ये डिसाइड करिए। कानून व्यवस्था से चलेगा। और तो फिर मन से ये कहकर इतनी खुशी, फिर जाहिर क्यों की जाती है? ये मन से कहने के बाद इतनी खुशी क्यों जाहिर की जाती है? और अगर ऐसा ही करना है, हम ये नहीं कह रहे हम गद्दारों के साथ नहीं खड़े, गद्दारों को ढूंढिए और गोली मारिए। किसी ने रोका तो है नहीं आपके हाथों को, मारिए और फिर दिखाइए। अरे रोकने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। अफजल तेरे कातिल जिंदा हम शर्मिंदा है, उसने प्रोसिक्यूशन कौन रोके रखा? किसने प्रोसिक्यूशन रोका? ये सवाल आज केजरीवाल से क्यों है? आप उनसे क्यों डरते? किसने ये सवाल रोका? गद्दारों से क्यों डरते? प्रोसिक्यूशन किसने रोका? गद्दारों से क्यों डरते? अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अफजल का कातिल कौन? देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, गद्दारों को गोली मारो, तुमको किसने रोका? तब सवाल कहां खड़ा था? क्यों प्रोसिक्यूशन रोका? हम मारिए तो कई बार लोकदल ने धरना दिया केजरीवाल के दरवाजे पर। अरे केजरीवाल के दरवाजे पर विरोध किया बताइए? घंटा घर के धरने आपने कहा ना कि अफजल के कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। आपने सवाल खड़ा किया कि अफजल का कातिल कौन? उस दिन आप देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये बताइए हम लोग किसानों की बात करते हैं, हम इन सारी चीजों से थोड़ा अलग हटके एक बात करना चाहते हैं। किसान भी इस देश में आत्महत्या कर रहा है और जो नौजवान है वो भी कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है, जो वो हत्या कर रहे हैं
उनके दोषी कौन है, उनको सजा कब मिलेगी? किससे सवाल? आप ही से पूछ रहा हूँ सर, आप ही सत्ता में है। ठीक है, नहीं आप पूछिए, नाम लीजिए। आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि इसमें नाम ना लिया जाए। अरे जी अमित जी, देश में ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिसमें नाम नहीं लिया जाए। माननीय अमित जी, आप ही से मेरा सवाल था, आप ही बताइए जी। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात आप जो कर रहे हैं, चाहे आत्महत्या एक व्यक्ति की हो, चाहे अनेक हो, चाहे लेफ्ट रूल्ड स्टेट में हो, चाहे बीजेपी रूल्ड में हो, चाहे कांग्रेस में हो, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक चुनौती है और इसको देश की राजनीतिक व्यवस्था को उत्तरित करना होगा। मैं इसे खुले मन से स्वीकार करता हूं, कहीं भी हो रही हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो रही हो, लेकिन जिस सामायिक दिल्ली के विषय को लेकर आप आज चर्चा में बैठे हैं, मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसानों को दे रहे थे, कम था, ज्यादा था, सही था, गलत था? 14 लाख में 6,000। एक मिनट, 14 लाख में एक मिनट, दिल्ली ने क्यों नहीं लागू किया? 14 लाख में दिल्ली ने क्यों नहीं लागू किया? 6,000 में अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं लागू किया? 2,000 दिया। क्यों नहीं लागू किया? 2,000। आप तो 6,000 की बात कर रहे हैं। आप 6,000 की बात कर रहे हैं। 14 लाख में ठीक है, ठीक है, एक सच्चाई ये भी सुन लीजिए कि आप 6,000 की बात कर रहे हैं तो 75% लोगों तक पूरा लाभ नहीं पहुंचा, 41% पैसा ही आप खर्च कर पाए पिछले एक साल में, जो आपकी योजना की पहला साल था उसमें। उस पे अलग से बहस करना चाहेंगे? नहीं, आपने कहा तो मैंने बता दिया। मैंने एक सवाल खड़ा किया जी कि दिल्ली के अंदर क्यों नहीं 6,000 की योजना लागू की गई, बाकी जगह भी तो नहीं मिल पाया ना? अरे और प्रांतों में नहीं की, बंगाल में नहीं की, जहां पर है वहां लागू है। यूपी में भी बहुत लोगों को नहीं मिला, यूपी में भी बहुत लोगों को नहीं मिला। 2 करोड़ लोगों को, सुनिए 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 सुनिए, राजनीतिक रंग में 2 करोड़ लोगों को, सुनिए मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ लोगों में से जो है आधों को मिल पाया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जहां मिलना चाहिए वहां तो मिला नहीं। ठीक है, उन्होंने नहीं किया योजना, मुझे बंगाल के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? मुझे नहीं मिला, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आप सही कह रहे हो, होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों हाथ रोक, बिल्कुल होगा, बिल्कुल मिलाते नहीं, बिल्कुल होगा, क्रिकेट ग्राउंड में खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, जो आप सवाल आप सही कह रहे हैं, उनसे भी सवाल होगा, लेकिन उस सवाल से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। अगर कमियां किसी योजना की है तो उन पे चर्चा होनी चाहिए, ये मीडिया का मौलिक धर्म है और हमें उन चर्चाओं को स्वीकार करके आगे अच्छा बढ़ाने के लिए काम करना, ये हमारा राजनीतिक धर्म है। शशिनाथ जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी, आप बताएं, आप जैसे जहां तक चुनाव बिरयानी की बात हो रही है, दिल्ली की शाहीन बाग नामक बिरयानी, आखिर में इस बिरयानी का फायदा किसे ज्यादा मिलेगा? सबसे बड़ी बात है तो इसमें सबसे बड़ी बात हुआ कि हमारी बिरयानी जो ये बिरयानी पकाने में किसने किसने कितना कितना क्या क्या आइटम जो है वहाँ पे आगे पीछे से किया है, क्या किया नहीं, यहाँ सलमान खुर्शीद से नया मनीष जी है, ना यहाँ मनीष सिसोदिया है, ना यहाँ केजरीवाल है, यहाँ पे अमित जी आप हैं, संतोष यादव जी हैं। देखिए हम लोग आप ही दो लोगों से पूछ सकता हूँ, जो व्यक्ति नहीं है यहाँ पे उससे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा कारण है कि टीवी स्टूडियो पे बहस के लिए आते नहीं, लोकतंत्र में अगाध निष्ठा है, देश में असुशोता है। अमित जी आप कह रहे हैं शाहीन बाग में जो चला गया वो गलत है, मैंने जो बात करने के, आपने तो कहा शाहीन बाग की जो वृत्ति थी रोहिंग्यावाद की वृत्ति, हम उसके विरोध में ऐलानिया कर रहा हूं। अच्छा तो उनसे अच्छा, आप उन पे आरोप लगा सकते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन हम रोहिंग्यावाद नहीं चलने देंगे। हम आरोप पूरे आप यहाँ पे सल के सामने हिंदुस्तान की कोई भी जनता रोहिंग्यावाद नहीं चलने देना चाहती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी देश से प्यार करती है, रोहिंग्यावाद कोई भी व्यक्ति हो या मीडिया का हो या आम आदमी हो या बेरोजगार हो, ठीक है, अकेले इसके मालिक नहीं। तो अब ऐसा है ना कि जहां तक दिल्ली की बात है, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, शाहीन बाग पे आपका शाहीन बाग पे क्या स्टैंड है? क्यों नहीं बोलते शाहीन बाग पे? आखिर क्यों नहीं बोलते शाहीन बाग पे? प्रश्न सब क्यों बोल रहे हैं? 15 तारीख तक शाहीन बाग क्यों जो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे जिस तरह से कहा है कि एक उसका प्रश्न उसके पीछे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कि आखिर में 15 तारीख को क्यों खत्म हो जाएगा। ये वो इनके दिए हुए धरना प्रदर्शन है भाई, 8 तारीख को चुनाव होगा। एक चीज और है, ठीक है अमित जी, ये कहना कि हम वहां से, ठीक है आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि या फिर कोई भी जाता बातचीत करता या फिर वो लोग आते बातचीत करते, जो भी होता, उसके बाद ये बात कही जाती कि चलिए ठीक है कि इतनी तारीख को खत्म हो जाएगा, ये चीजें हमने समझाई हैं। लेकिन अगर वो चीजें ये कही जा रही कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज के लिए ली जा रही है। वोट बैंक की लड़ाई है, स्पष्ट होता है। डेढ़ महीने पहले की लड़ाई है, मोहन चंद शर्मा को शहादत नहीं मानती, लेकिन बातला हाउस के एनकाउंटर के आतंकवादियों को शहीद मानती है, ये मानसिकता है जो मोहन चंद शर्मा को शहीद नहीं मानती। आप डेट कैसे पता, जो बातला हाउस के एनकाउंटर के आतंकवादियों को, आपको जानकारी, सराय मीर आजमगढ़ को देखिए हुए थे, ये वो लोग हैं जिन्हें सराय मीर में आतंकवादी नहीं दिखते। शशिनाथ जी, नाम नहीं लेंगे लेकिन कह सब देंगे, ये एक खासियत होती है जो है हमारे राजनेताओं की है। अब देखिए शाहीन बाग करके एक छोटा सा स्टैंड था, छोटे को कितना बड़ा हो गया कि आज वहां से जो लोग हटना भी चाहें आपसे बताएं वो भी नहीं हटना चाहते। एक माँ का जो है बेटा खत्म हो जाता है, वो जाके सुबुर्दे खाक करने करके आने के बाद फिर वहां बैठ जाती है। भाई इसका मकसद, इसका मतलब क्या है? देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वो है। अब चुनाव ये निश्चित है, पूरी जनता दिल्ली कह रही, पूरे देश की जनता ये कह रही कि बस चुनाव हो जाने दीजिए, शाहीनबाग समाप्त। चलिए ठीक है, देखते हैं कि चुनाव हो जाएगा तब शाहीनबाग समाप्त होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये एक आइडियोलॉजी के थ्रू चीजें चल रही हैं। ये तो समय के साथ पता चलेगा। 11 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तो ये भी साफ होगा कि कौन इस मंच पर विराजमान रहेगा अगले 5 साल तक। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश जी, संतोष जी, अमित जी, शशिनाथ जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस डिबेट में भी इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। अमित भाई।